हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 8 क्वेश्चन, जो कि नंबर एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 8 का रिलेशन दिया गया है 66। तो यहाँ पर कौन सा नंबर रहेगा जिसका रिलेशन 38 होगा? तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये 66 से 8 कैसे मिला है। अगर ये पता चल जाता है तो 38 से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो भी हम पता कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 66 है। तो 66 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं, 66 में से माइनस 2 करते हैं तो आता है 64। और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। तो यहाँ पर देखिए 66 से हमें 8 मिला है। अब ऐसे ही यहाँ पर आपको ये नंबर भी निकालना है सेम तरीके से। तो यहाँ पर 38 है, तो 38 यहाँ पर माइनस 2 किए थे तो यहाँ पर भी माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 36। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया यहाँ पर 6, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 6। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 85 का रिलेशन है 40, तो 78 का रिलेशन क्या आएगा हमें फाइंड करना है। तो 85 से 40 कैसे मिला है? तो अगर हम ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 और 5 को, तो कितना आता है? 8 5 40। अब ऐसे यहाँ पर 7 8 है, तो 7 × 8 यहाँ पर आएगा 56। और ऑप्शन में देखिए दिया गया है 56, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा? 78 का रिलेशन 56। देन सी द थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 12 का रिलेशन है 30, तो 18 का क्या रिलेशन होगा हमें फाइंड करना है। तो 12 से 30 कैसे आया है सबसे पहले हम ये पता करेंगे। तो 12 × 2 कितना होता है? 12 × 2 = 24। और 24 में अगर हम +6 करते हैं तो आता है 30। वैसे ही यहाँ पर 18 है, तो 18 में 2 को मल्टीप्लाई करो तो होता है 36। 18 × 2 = 36 होता है। अब इसमें +6 करो तो यहाँ पर आता है 42। तो क्या ऑप्शन में 42 दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 42, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा? 18 का रिलेशन 42। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है k बाई t का रिलेशन 11/20 है, तो j बाई r का रिलेशन क्या होगा? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो अल्फाबेट है इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे a पहले नंबर पे आता है, b दूसरे नंबर पे आता है, वैसे यहाँ पर जो k है, k की पोजीशन होती है 11 और t की पोजीशन होती है 20। तो पोजीशन ही दिया गया यहाँ पर। वैसे यहाँ पर j बाई r है, तो j की पोजीशन क्या होती है? 10, और r की पोजीशन होती है 18। तो J बाई R का रिलेशन क्या होगा? 10/18। देखिए ये ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर क्या आएगा? 10/18। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 68 का रिलेशन 130 है, तो यहाँ का नंबर हमें फाइंड करना है। यहाँ का नंबर कौन सा होगा जिसका रिलेशन 350 यहाँ पर दिया गया है? तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर? इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि 130 से 68 कैसे मिला है। अगर ये पता चलता है तो इजीली हम 350 से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो भी हम पता कर लेंगे। तो 130 है ना यहाँ पर, तो 130 कैसे आएगा? तो 5³ + 5 होता है 130। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4³ + 4 कितना होता है? 68। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 68 का रिलेशन 130 है यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर देखिए 350 है ना, 350, तो यहाँ पर 7³ + 7 कितना होता है? 350। अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर नीचे ले लो 6, 6³ + 6 कितना होता है? 222। तो ऑप्शन में दिया गया 222, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 222। देन सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर 61 का रिलेशन है 121, तो
यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जिसका रिलेशन यहाँ पर दिया गया 337 है, तो यहाँ का नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे 121 से 61 कैसे मिला है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन आपस में फाइंड करते हैं कैसे आया है, अगर पता चल जाता है तो ये नंबर भी हम पता कर लेंगे। तो यहाँ पर 121 है, तो फाइव का क्यूब माइनस फोर करोगे तो 121 आता है। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 3 कितना होता है, 61। तो आप देख सकते हो 61 का रिलेशन यहाँ पर 121 है। कैसे मिला है, तो 5 का क्यूब माइनस 4, फिर 4 का क्यूब माइनस 3। अब ऐसे यहाँ पर 337 है, 337, तो यहाँ पर 7 का क्यूब माइनस 6 करेंगे तो 337 आता है। अब यहाँ का नंबर कैसे मिलेगा, तो 6 का क्यूब माइनस 5 कितना होता है, 211। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पर आएगा 211। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर 7 का रिलेशन 56 है, तो 9 का रिलेशन क्या आएगा, तो 7 से 56 कैसे मिला है, अगर ये पता चल जाता है तो 9 से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो भी हम पता कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 होता है 56। अब ऐसे यहाँ पर 9 है, तो 9 स्क्वायर प्लस 9 कितना होता है, 90। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा, 9 का रिलेशन 90। देन सी द लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए 27 का रिलेशन 125 है, तो 64 का क्या रिलेशन होगा। तो 27 से 125 कैसे मिला इसे पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 27 है ना, तो 3 का क्यूब होता है 27, देन 5 का क्यूब होता है 125। तो यहाँ पर दिया गया है 27 का रिलेशन 125 कैसे मिला है, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। वैसे यहाँ पर 64 है, तो 4 का क्यूब होता है 64, देन 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5 को छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 के बाद 5 लिया गया, मतलब एक नंबर छोड़ के, तो यहाँ पर भी एक नंबर छोड़ देंगे। 4 के बाद 5 आता है तो 5 को छोड़ना है, 6 लेना है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो यहाँ पर आ जाएगा 216। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।